हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स के वॉल्यूम 2 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का एग्जांपल नंबर 11.1 के बारे में। जी हाँ, ये चैप्टर जो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर पर है, मतलब कि रेडिएशन के भी दो नेचर होते हैं और मैटर के भी दो नेचर होता है। एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर, जिसको कि आप लोगों ने 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा और यहाँ पर 12th में मॉडर्न फिजिक्स में भी आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है फोटॉन से रिलेटेड एनर्जी की बात हो रही है। ध्यान दीजिए, यहां पर एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रो जितने भी हम लोग लाइट देखते हैं, जो लोग लाइट देख पाते हैं या नहीं भी देख पाते हैं, हम लोग जो लाइट देख पाते हैं खास फ्रिक्वेंसी पर ही देख पाते हैं, उससे कम फ्रिक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी अगर रहेगा तो वो लाइट हमारे लिए विजिबल नहीं होता है। तो हर एक लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खासियत ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों ही होते हैं, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ना ही उसमें नेट इलेक्ट्रिक वेव का कोई इफेक्ट होता है, ना ही मैग्नेटिक वेव का कोई इफेक्ट होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव होता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर तो हमारे पास एक लेजर है, यहां पर कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.0 × 10^14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर। हमारे पास एक लेजर है, एक हमारे पास ऐसा कोई लेजर होगा। ठीक है, एक हमारे पास ऐसा कोई लेजर है और ये लेजर से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रहा है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब यहां पर ये हो गया एक कलर वाला, इसमें कोई एक ही कलर वाला लाइट निकल रहा है। एक कलर वाले का मतलब हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स है। लाइट की कलर जो होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और लाइट की जो ब्राइटनेस होती है, सपोज कि आपके पास मोबाइल हो और ब्राइटनेस को आप बढ़ा या घटा रहे हो, तो वो इंडिकेट करता है कि फ्रीक्वेंसी वही है, लेकिन जो है ना बस नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इमिट हो रहे हैं उस रेडिएशन से वो बदल रहे हैं। ठीक है ना, और लाइट का कलर जब आप चेंज करते हो, ग्रीन से ब्लू, ब्लू से रेड करते हो, तो वहां उसका अर्थ हुआ कि फोटॉन्स तो उतने ही निकल रहे हैं लेकिन जो है आप फ्रीक्वेंसी बार बार बदल रहे हो। फ्रीक्वेंसी बदलने से कलर बदलता है। तो अगर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी कोई लाइट होता है तो यहां पर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या, एक क्रोमा वाला, एक कलर का लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आप जानते हो यहां पर न्यू सिंबल्स डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ है 6.0 × 10^14 हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम लोग पर सेकेंड भी लिखते हैं, यानी नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड ही हर्ट्ज कहलाता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एक लेजर से इतने फ्रीक्वेंसी का लाइट निकल रहा है। कहता है द पावर इमिटेड इज 2.0 × 10^-3 वॉट। मतलब कि ये जो लेजर हमारा पावर दे रहा है, देखिए यहां पर बल्ब पर जो लिखा हुआ रहता है 200 वॉट का बल्ब है, तो वहां पर वो कितना इमिट कर रहा है वो नहीं लिखा हुआ रहता है, वो लिखा हुआ रहता है कितना इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल पावर कितना कंज्यूम कर रहा है। अब उसका 10%, 20%, 30% लाइट के फॉर्म में वो एनर्जी देता है, लेकिन यहां पर स्पष्ट कर रहा है कि ये लेजर जो पावर एमिट कर रहा है, दे जो रहा है, वो पावर दिया हुआ है आपका 2.0 × 10^-3 वाट। वाट का अर्थ होता है 2.0 × 10^-3 जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतनी एनर्जी जो है ये रेडिएशन के रूप में लेजर इमिट कर रहा है, डाल रहा है। ऐसे चुक चुक जो लाइट निकल रहा है यहां से, वो लाइट निकल रही है एक सेकेंड में 2.0 × 10^-3 जूल एनर्जी के रूप में ये लाइट निकल रही है। आपको पता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ये कहता है कि इस रेडिएशन में छोटे छोटे कुछ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिन्हें हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। अब ये फोटोन की एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है इसके वेवलेंथ पर, बहुत सारी बातें होती है, वेवलेंथ पर फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कहा गया है एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है वो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है h × ν, या यहां पर ν का वैल्यू जो होता है वो c/λ होता है, h × c/λ, जहां c हो गई स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और लेमडा क्या है वेवलेंथ ऑफ दिस इमिटेड रेडिएशन। इस रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो हमारे लिए लेमडा है। वेवलेंथ किसे कहते हैं, दो क्रेस्ट, दो ट्रफ के बीच का जो लेंथ होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं, यानी एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होता है, विड्थ होता है, उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो यहां पर सवाल नंबर ए कह रहा है, ए यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम। इस लाइट बीम में जो है, ये जो बीम ऑफ लाइट निकल रहा है, इसमें फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी क्या है,
एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, जहां एच है फ्लैंक्स कांस्टेंट, और यहां पर जो है अगर लैम्डा दिया हुआ है वेवलेंथ दिया हुआ रहता तो E इज इक्वल टू एफ सी बाय लैम्डा हम लोग पुट आउट करते। तो यहां पर तो न्यू दिया हुआ है तो एनर्जी हमारे लिए हो जाएगी, यहां से एनर्जी बराबर हो जाएगा एच गुना न्यू, एच है फ्लैंक्स कॉन्स्टेंट जिसका वैल्यू 6.625 10^-34 जूल सेकेंड होता है, गुना न्यू का वैल्यू दिया हुआ है यहां पर हमारे लिए 6.0 × 10^14 पर सेकेंड हो गया, हर्ट्ज के जगह पर हम लोग पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो यहां सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो गया, बादों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 6 को मल्टीप्लाई से करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 6 × 12 = 15, 6 × 36, 36 × 37 हो गया, पॉइंट डाल दिए 36 × 3 = 39 हो गया 39.750 × 10^-34 ये हो जाएगा -34 + 14 तो ये हो जाएगा -20। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट यहां ले आते हैं 3.975, एक डिजिट पॉइंट इधर लाए हैं तो यहां पर एक जीरो बढ़ेगा तो बढ़ के 10^-19 हो जाएगा, बच गया यहां पर जूल। ये हमारा हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन, जो यहां पर इस रेडिएशन में फोटोन है उसकी एनर्जी ये हो गई। यहां तो क्लियर हो गया है फोटोन एनर्जी हमने निकाल ली। अब बी नंबर कहता है, जरा सोचिएगा, यहां पर कहता है कि हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटोन ऑन एन एवरेज आर इमिटेड बाय द सोर्स, इस सोर्स से पर सेकेंड कितने फोटॉन्स निकल रहे होंगे, ये पार्टिकल्स की संख्या कितनी होगी, जो फोटॉन्स देख रहे हो आप उसकी संख्या कितनी होगी, एक सेकेंड में कितने फोटोन निकल रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, सपोज कर लीजिए हम बता दें कि अगर एक बूंद पानी का जो है वॉल्यूम अगर मान लीजिए 1 मिलीलीटर हो और मान लीजिए एक सेकेंड में एक पाइप से 100 लीटर पानी निकलता है, 100 लीटर पानी एक सेकेंड में किसी पाइप से पास कर गया तो हम पूछेंगे बताइए एक सेकेंड में कितने बूंद पानी गए, तो क्या करोगे वहां पर टोटल वॉल्यूम लिख दोगे 100 लीटर बराबर लिखोगे 100 × 1000 यानी कि 1,00,000 मिलीलीटर, अब बटा कर दोगे एक पानी का जो वॉल्यूम है, एक बूंद का जो वॉल्यूम है 1 मिलीलीटर, तो हो गया आपका 1,00,000 × 1 यानी 1,00,000 बूंद डेफिनेटली एक सेकेंड में पास हुआ होगा। यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन कर दीजिए तो वो निकल जाएगा आप लोगों को एक सेकेंड में कितना एनर्जी फोटोन निकला। तो यहां पर हम लोग को एक सेकेंड में पूछा, अगर एक घंटे में ही पूछता तो देखिए आप जरा सा देखिए ये बल्ब का जो पावर है वो 2.0 × 10^-3 जूल पर सेकेंड है, अब यानी कि इसका अर्थ हुआ एक सेकेंड में इतनी जूल एनर्जी दे रहा है। अब अगर ये लेजर मान लीजिए एक घंटे तक चलता तो टोटल एनर्जी कितना देता है, ये तो एक सेकेंड में इतना एनर्जी दे रहा है, एक घंटे मतलब कि 3600 सेकेंड में कितना एनर्जी देगा, 3600 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हम लोग तो टोटल एनर्जी हम लोग को निकल जाता। अब जितना भी टोटल एनर्जी हो हमें पर सेकेंड ही पूछ रहा है तो एक सेकेंड पर ही वर्क करना है, तो यहां पर नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला आप लोग लिख लोगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी जो भी टाइम में आपको नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है, एक सेकेंड में कितना निकला, 10 सेकेंड कितना निकला, एक घंटे में कितना निकला, तो उतने देर में टोटल एनर्जी कितना दिया बल्ब वो निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए आप इसको एनर्जी ऑफ फोटोन से कि उस रेडिएशन में जो फोटॉन्स है उसकी एक फोटोन की एनर्जी क्या है वो निकाल लीजिए। वो तो निकाला हुआ है मेरे पास यहाँ पर है, एनर्जी ऑफ फोटोन हम निकाल चुके हैं एससी वाई लैम्डा यानी एच न्यू से। तो सिंपल सी बात है टोटल एनर्जी एक सेकेंड में जो दिया हुआ है वो इतना ही है, जो उसका पावर है वही हो गया एक सेकेंड में कितनी एनर्जी दे रहा है, तो ये दे रहा है 2.0 × 10^-3 जूल दे रहा है, ठीक है ये एनर्जी दे रहा है, और एक फोटोन की जो एनर्जी है वो है 3.975 × 10^-19 जूल है, जूल से जूल खत्म हो गया। अब यहां पर इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा ये 2000 हो जाएगा बटे 3975 कर देंगे गुना 10^-3 है प्लस 19 हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। एक काम करते हैं यहां 2000 से बड़ी संख्या है सिंपल सी बात है इसको 20000 बना देते हैं और इसको यहां पर 15 कर देते हैं, ठीक है यानी कि इसका एक जीरो यहां ला दिए ताकि यहां पर लगभग ये ऑलमोस्ट 4000 के लगभग में है, ये 20000 है तो ये 5 point something रिजल्ट देगा × 10^15 आ जाएगा। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होते हैं ना और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कैलकुलेशन का तो बड़ी आसानी से आप एकदम
एवरेज वैल्यू निकाल करके आप लोग सॉल्व कर दीजिए। देखिए 3975 4000 के आसपास में है, थोड़ा सा कम है तो थोड़ा वैल्यू बड़ा होगा, मैंने ये अगर 4000 होता तो 5 बार में कट जाता, तो ये अभी 5 पॉइंट समथिंग बार में कटेगा, तो यहाँ पर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पर लेते हैं 5, ठीक है, इंटू 10 to the power ये हो जाएगा 15, इतना हो जाएगा फोटोन का आंसर, ठीक है ना। ये 5.01 के लगभग में, 0.5 के लगभग में आएगा आंसर, जो भी आएगा आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। ये इतने फोटॉन्स ऑन एन एवरेज 5 × 10^15 इतने फोटॉन्स जो है ना ऑन एन एवरेज पर सेकेंड इस लेजर बीम से निकलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि आपको फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है, क्या रेगुलर वीडियो आपको फिजिक्स का चाहिए तो जरूर आप बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।